गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज है 12th जून 2020। आज के दिन हम डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट करते हैं। कि चाइल्ड लेबर, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि चाइल्ड लेबर है क्या। चाइल्ड मीन्स बच्चे, लेबर मीन्स मजदूरी। लास्ट अभी हमने लेबर डे सेलिब्रेट किया था स्टूडेंट्स, सबको याद होगा। गुड। और आज हम डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेट करेंगे। चाइल्ड लेबर डे है क्या? डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मीन्स कि बच्चों के जो काम करते हैं उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ जाना। आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी देखा होगा आपने स्टूडेंट्स, कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कहीं काफ़ी शॉप्स पर जो हाँ छोटे छोटे एज के बच्चे हैं वो आपको काम करते हुए दिखेंगे। काफ़ी बच्चे जो आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। सो उनका जो एज है वो एक पढ़ने की एज है, उनकी भी स्कूल जाने की एज है, इन्जॉय करने की एज है, अपनी फैमिली के साथ फन मस्ती करने की एज है, ब्रदर सिस्टर्स के साथ। बट इस उम्र में वो काफ़ी शॉप्स पे आपको वर्क करते हुए दिखेंगे। तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने काफ़ी स्टेप्स भी उठाए हैं कि बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है। आपको यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है स्टूडेंट्स, 1098। अगर आपको कहीं पर भी कोई ऐसे बच्चे काम करते हुए दिखते हैं तो आप इस नंबर पर उन्हें कॉल कीजिए और उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं आप कि यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है। सो यह एक कानूनी अपराध है कि हमें छोटे छोटे बच्चों से वर्क नहीं करवाना। आप इतने स्वीट स्वीट सुंदर सुंदर से बच्चे हो, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से, अगर आपसे ऐसे काम करवाया जाए तो अच्छा नहीं होगा ना स्टूडेंट्स। बट ऐसा नहीं है कि अब आपने अपने मम्मा के साथ भी हेल्प नहीं करवाना, घर पर आपने हेल्प करवाना है। बट बाहर काम करना हमारे इंडिया में बहुत ही सिचुएशन ऐसी अच्छी नहीं है, बट अब तो धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होती जा रही है जैसे जैसे हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। सो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ बताना समझाना चाहूँगी कि आप बहुत लकी हो कि आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतना अच्छा परिवार मिला है, इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं आपको, आपकी वो हर डिमांड पूरी करते हैं, आपको जो चाहिए आपको मिलता है, आपको अच्छा पहनने को मिलता है, आपको अच्छा खाने को मिलता है, आपको सब कुछ मिल रहा है। इवन आपको यहाँ तक कि स्कूल जाने को मिल रहा है, आप स्टडी कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, आप नई नई ड्रेसेस पहन सकते हो, आप अच्छा अच्छा खाना खा सकते हो। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छे से खाने पहनने के लिए भी नहीं मिलता। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स का कहना मानिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और वो जो भी कहते हैं वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं, आप उनकी बातों को मानिए और उनके अकॉर्डिंग चलिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काम कर रहे हैं। अगर आपको भी भगवान ना करे कभी ऐसा कभी किसी को करना पड़े इन फ्यूचर, कभी देखिए, अब आप सोच के देखिए, जस्ट एक इमेजिन कीजिए, आप एक सिर्फ कल्पना कीजिए कि अगर आपको ऐसे काम कर जाना पड़े, अभी इतना गर्मी है, धूप में काम करना पड़े, तो होगा काम? नो ना। आपको घर बैठे, आप पंखे के नीचे, कूलर के नीचे, एसी के नीचे आराम से बैठे हैं, आप अपनी मम्मा को ऑर्डर दे रहे हो कि आज मुझे मैगी खाना है, आज मुझे पास्ता खाना है, आपको सब मिल रहा है ना स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे। सो आप मुझे आज सब बच्चे एक प्रॉमिस करेंगे कि सब अच्छे अच्छे बच्चे हैं और सब अच्छे से अपना स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करेंगे। और स्टूडेंट आज का जो हमारा एक एक्टिविटी है वो ये है कि आप सब स्टूडेंट्स सुंदर सुंदर से अपनी ड्रेसेस पहनकर अपना फोटो क्लिक करके मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करेंगे, लेकिन आप 12 बजे तक मुझे वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपके जो पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं आपने एकदम से रेडी होना है, जैसे आप किसी पार्टी फंक्शन पर जा रहे हो, आपने एकदम सुंदर सुंदर रेडी होकर अपना फोटो क्लिक करवाना है और अच्छे अच्छे पॉजेज में क्लिक करवाना है फोटो, अच्छा अच्छा पॉज बनाना, फोटो क्लिक करना और मुझे व्हाट्सएप करना। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स।